सही चीज़ बताइयो, फिर पापा को दिखलाऊंगा ये स्ट्रीम। भाई मैं तुम्हारे को सही चीज़ बताता हूँ। अब तुम जा रहे हो, देखो अभी बहुत सारे लोग हैं, मेरी ऑडियंस मैं जानता हूँ, ठीक है। इट्स ओनली 15 एंड 17 ईयर ओल्ड्स, और बीच में थोड़े बहुत 16 साल। इट्स ओनली 15 एंड 17 ईयर ओल्ड्स। अभी बहुत सारे बच्चों का ना इसी इसी चैट में बोर्ड ख़त्म हुआ होगा, ठीक है। बोर्ड्स ख़त्म हुए होंगे बहुत सारे बच्चों के, और उनको लग रहा होगा स्पेशल कि वो स्कूल से निकल रहे हैं, एंड उनके ना दिमाग में एक ना वो बना हुआ है भ्रम कि भाई मैं तो जाऊंगा, मुझे मिल रही है दुनिया, मेरे को तो मिल रही है भाई दुनिया, मैं बनूंगा सक्सेसफुल बिकॉज द वर्ल्ड ओज इट टू मी। बट आई हैव टू टेल यू समथिंग, बी प्रिपेयर्ड फॉर द बिगेस्ट शॉक ऑफ योर लाइफ, दैट यू आर ओड नथिंग अनटिल एंड अनलेस यू आर अ प्रोडक्ट ऑफ जनरेशनल वेल्थ, ठीक है। मैं आप लोगों से ये बात बता रहा हूं कि आप कॉलेज में जा रहे हो, आप लोगों के ना दिमाग में ये भ्रम होता है कि भाई मेरे को तो पता है मैं तो सक्सेसफुल हो ही जाऊंगा, कितना ही मुश्किल होता है, कितना मैंने तो इतनी सक्सेस स्टोरीज देखी, वही तो दिक्कत है। एट 16 17 यू आर फकिंग फ्लडेड, स्कूल्स बता रहे हैं ये टॉपर है, उसने ये कर लिया, कोई ये नहीं बता रहा किस बंदे ने कितनी घिसी है, ठीक है। तो हम लोगों को लगता है अचीव करना ना चीज़ें ईजी हैं, पर जब तुम कॉलेज में जाओगे ना तुम्हारी लगेगी गांड, तुम्हारे को पता चलेगा ये कितना बड़ा सर्कस है जहाँ पे तुम्हारे को जमूरों की तरह नाचना पड़ेगा। तुम्हारे को क्या लगता है, मतलब ये जो छोटी मोटी चीज़ें थी जो स्कूल में होती थी, MUN होना और ये सारी, जो तुम्हारे को लगता है तो बेकार चीज़ है, कौन ही करता है एक्स्ट्रा करिकुलर वाली, हमारे को बस नंबर लाने, ख़त्म। तुम जब कॉलेज में जाओगे ना तुम्हारे को पता चलेगा तुम्हारे को ऐसे 10 बार ही नाचना पड़ेगा, 10 बार ऐसी ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो बिल्कुल मीनिंगलेस हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन सबसे, बस ये करना पड़ेगा क्योंकि मेरे को अपनी CV बढ़ानी है, और एक बहुत अजीब सी रैट रेस में फंसोगे तुम। और तब बताऊं क्या होता है, 17 ईयर्स के होते हैं बच्चे, उनके दिमाग में वॉर्प्ड दुनिया होती है कि बस मेहनत करो और हो जाएगा, दिमाग तो लगाना ही नहीं है, इफ़ आई एम ऑनेस्ट अगर मैं मेहनत से करूँगा तो हो जाएगा, नहीं होता। किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में अगर आप जा रहे हो, किसी भी, आपकी लगने वाली है गांड। बट देखो जैसे आप लॉ स्कूल में जाओगे ये सारी चीज़ें आएंगी आपके इंजीनियरिंग कॉलेज में, MBA में, कि आपको लगेगा बहनचोद यहाँ पे हर कोई कुछ ना तो कुछ कर रहा है, मैं भी इसलिए करने लग जाता हूँ। फिर ना बताऊँ क्या होता है, मीनिंग कुछ नहीं बचता कि क्यों कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बस कर रहे हैं। रिसर्च प्रोजेक्ट करना है, क्यों करना है, ओ भाई क्योंकि नितिन है ना, नितिन जिसकी प्लेसमेंट पक्की है उसके पास है रिसर्च प्रोजेक्ट, ओ अच्छा अच्छा रिसर्च प्रोजेक्ट हो गया, अच्छा थीसिस लिखनी है, किस टॉपिक पे लिखें, अच्छा आदित्य ने जो थीसिस लिखा है ना वो कर लेते हैं क्योंकि आदित्य कर रहा है वो और उसकी प्लेसमेंट पक्की है। ये करते हुए ना तुम वो सारी चीज़ें तो कर लोगे, बट तुम्हारे पास कोई गोल नहीं है, कुछ गोल नहीं है। आदित्य और नितिन के पास गोल है, उनको पता है उनको कहाँ जाना है। मैंने देखा है भाई कॉलेज में, 5 ईयर्स का मेरा कोर्स था, मैंने देखा है भाई कितने सारे बच्चे थे जो बस इसीलिए कर रहे थे चीज़ें, जस्ट बिकॉज उनको डर लग रहा था कि उनकी जो CV है उसका डिक मेजरिंग कॉन्टेस्ट हो रहा है और वो हार रहे हैं। इमेजिन तुम कहीं पर आए हो पढ़ने के लिए और तुम पैसे दे रहे हो जस्ट टू फकिंग फिल आउट अ CV, और एंड मैं कह रहा हूं हाँ CV इट हेल्प, सर्टनली इट डज हेल्प, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट इट इज अ फ्रैक्शन ऑफ व्हाट यू हैव टू डू आगे जाके इन अ प्रोफेशनल कोर्स। तो ना एक ना दिमाग से सोचना, जब तुम भाई कॉलेज में जाते हो तो तुम्हारे को क्या करना है, पहले 1-2 साल लो प्रोफेसर्स के साथ बैठो कि सर मेरे ना ये एस्पिरेशन हैं। सारे सब्जेक्ट्स को ऐसे मत पढ़ो कि बेंचो बस पास होना भाई, मार्कशीट बस पास होना भाई, अरे भाई इंटर्नशिप क्यों करी भाई, CV में डालनी है भाई, है अरे रिसर्च पेपर क्यों लिखा, अबे रिसर्च पेपर इसका पूरा का पूरा टापा हुआ। कि सही मायनों में बताऊं, अगर ये बंदा कहीं जाता है किसी अच्छी प्लेसमेंट पे बैठता है और उसका किसी बढ़िया बंदे ने दिमाग वाले बंदे ने वो थीसिस पढ़ लिया और उससे सवाल जवाब कर लिए, इसकी गांड खुल जाएगी, पता ही नहीं है क्या है। एंड यू नो व्हाट इज द वर्स्ट थिंग, यू हैव अ गुड CV बट यू डू नॉट हैव द एप्टीट्यूड और द स्किल टू बैक इट अप, क्योंकि तुमने हमेशा से वो जो स्कूल की जो आदत थी ना, बस भाई कॉपी भरनी है, FC भरनी है, उसके बाद होमवर्क हो गया, अच्छा भाई बस ये मिनिमम बेयर मिनिमम करना, उसके बाद तो इतना ही नंबर लाने। कॉलेज में इट डजंट वर्क लाइक दैट भाई, यू हैव टू प्रूव योर मेटल हर 6 महीने में, एग्जाम्स छोड़ के अब तुम्हारे को 100 चीज़ें करनी है और बहुत स्ट्रेस होगा। आई एम नॉट ट्राइंग टू स्केयर यू ब्रो, दिस इज द रियलिटी। बहुत सारे लोग कॉलेजेस में जाएंगे और उनको शौक लगेगा और फिर आएगा उनके दिमाग में भैंचो एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस,
भाई उम्र से बड़ी बंदी कैसे पटाए? देखो मैं यहाँ पे तुम्हारे बहनचो करियर के बारे में बात कर रहा हूँ, एक ही चीज़ भाई मुझे चाहिए, भाई भाई मुझे चाहिए, भाई मुझे औरत चाहिए, भाई अर्पित भाई औरत दिलाओ। ये है भाई, ये बैक लेके बैठा है भाई, ये बंदा लेके बैठा है भाई बैक, ये ले रहा ड्रॉप ईयर चल रहा है भाई मेरा 3 साल से। भाई अगर तेरा ड्रॉप 1 साल से ज्यादा हो गया ना, फिर तो तू ये समझ ली यू आर सेल्फ एम्प्लॉयड एंड करंटली गोइंग इन लॉसेस।